बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल, माय रेसिपी बॉक्स। आज जो मैं आज आपको डिश बनाकर देने जा रही हूँ, उसका नाम है बीफ अंडर कट, बीफ स्टेक। और इसमें जो बीफ का पीस यूज़ होता है वो अंडर कट है। और इसमें जो दूसरे इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं उनमें है सॉल्ट 1 टेबलस्पून या एज ए रिक्वायर, लेमन जूस 2 टेबलस्पून, कोरिएंडर एंड क्यूमिन 1 टेबलस्पून, गार्लिक एंड जिंजर 1 टेबलस्पून। इसमें ब्लैक पेपर यूज़ करें लेकिन इसका कलर ख़राब हो जाए, लेकिन इसलिए मैं आप वाइट पेपर यूज़ करें 1 टेबलस्पून, एंड टर्मेरिक 1/2 टीस्पून। बस इतने से आपने इंग्रेडिएंट, और 1 टेबलस्पून इसमें ऑयल यूज़ होगा। ये इसमें इंग्रेडिएंट यूज़ होंगे, इनसे आपने इनको मैरिनेट करना है 24 आवर्स। इसलिए मैं आपको ये वाले इंग्रेडिएंट इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैंने इनको पहले ही मैरिनेट करके रखा हुआ था, लेकिन मैं आपको वो वीडियो नहीं दिखा सकी, इसलिए मैं आपको इसके इंग्रेडिएंट्स अब बता रही हूँ, लेकिन मैंने मैरिनेट पहले कर लिया हुआ था। चलिए अब आपको रेसिपी हम शुरू करते हैं। ये स्टीमर है और इसके निशान इस तक आपने पानी इसमें डालना है, और उसके बाद इसकी ये जाली है, इसके अंदर आपने इस तरह डाल दे रख देनी है, इसमें आपने रख दी है, और इसमें आपने फिर ये बारी बारी रखते जाना है। ये रांध अगर करनी हो तो आप वो भी इसी में कर सकते हैं, लेकिन स्टीमर बड़ा होना चाहिए, लेकिन इससे बहुत अच्छा टेंडर होता है। अगर इसमें आपने चेक कर लेना है, 3.5 घंटे लगते हैं। अगर आपने दोबारा पानी इसमें डालना हो, देख चेक कर लें, तो आप इसके ज़रिए इधर से इसके थ्रू आपने वाटर इसके अंदर डाल लें, आप लेके चेक कर लें। ये हमने फ्लेम ऑन कर दी है, पहले हम 5 मिनट इसको फ्लेम, अब 5 मिनट बाद आपने इसकी फ्लेम बिल्कुल आपने स्लो कर देनी है। अब हम आपके आपको 3.5 घंटे के बाद आपसे मिलते हैं। अब 3.5 घंटे हो गए हैं, अब हम इसको उतारते हैं, देखते हैं। मैं आपको बताना भूल गई थी कि ना मैं कचरी पाउडर 2 टेबलस्पून मैंने वो भी इसको मैरिनेट में लगाया था। अब हम इसको चेक करते हैं, ज़बरदस्त, बहुत अच्छा हो गया हुआ। लेकिन अब हम इसको ग्रिल करते हैं। अगर आप चाहें ग्रिल करें तो चाहे आप इसको ओवन पे बेक कर सकते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं आपको ओवन में बेक करके दिखाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको 5 या 10 मिनट के लिए मैं आपको इसको ग्रिल करके दिखाती हूँ। आपने इसके 5 मिनट एक साइड से और 5 मिनट एक साइड से आपने इसको देखिए बेक करना है, ग्रिल कर लें। और जैसे ही करेंगे आप, और इसके जो मीट इसके बीफ स्टॉक है वो आपने इसको ज़ाया नहीं करनी है, और आप इसके वही स्टॉक से आपने इसके राइस आप बना लें और साथ इसके सर्व करें तो बहुत ही ज़बरदस्त लगेंगे। मैं भी इसके वो ज़ाया नहीं करूँगी और मैं आपको राइस बना के दिखाऊँगी, लेकिन वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं उसकी वीडियो नहीं बना के दिखाऊँगी, लेकिन मैं आपको राइस की पिक ज़रूर आपको दूँगी।
हमने उसी के स्टेक से, हमने बीफ के स्टॉक से हमने इसके राइस बनाए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। और आपको भी टेस्ट करके मैं, और मीट इतना कुछ टेंडर राइज हुआ है, बहुत ही ज़बरदस्त है। और आपका आपको चेक करके ना बताते हैं कि किस तरह का बना है, देखें। वाह, इट इज़ सो यमी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा। हमारी अगली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी और आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और आप चाहें इसकी पिक्चर भी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।